अगर शरीर मर भी जाता है तो भी आत्मा को तो कुछ नहीं होता, फिर आत्महत्या कैसे होती है? तो ऐसा बताते श्री प्रभुपाद जी कि आत्मा जो है जब मनुष्य देह प्राप्त करता है तो उसको एक सु अवसर मिला है भगवत धाम जाने का, लेकिन यदि हमने गुरु नहीं किया और शास्त्र नहीं पढ़े तो फिर वो वापिस से क्या करेगी, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और इस तरह से 84 लाख योनियों में भटकना तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जो जीव का हनन है, पतन है, वो यही है कि मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी भगवान वो कैसा है पता है, एकदम शिखर है, जैसे भगवान से बस इतना सा दूर है, जैसे टच हो रहा है बस खाली मिलना है, बस थोड़ा सा ही दूर है, और हम इतने मूर्ख हैं कि हम इतना भगवान के निकट आने के बाद भी वो फिर भौतिक इंद्र तृप्ति में चले जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या।